दोस्तों, आज की ये वीडियो न सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों के लिए भी यकसां दिलचस्प और मुफीद है, क्योंकि फारसी के एक मिसरे के मुताबिक कि कलम गोयत के मनशा जहानम के मिस्ताक कलम, जिसको पेन या पेंसिल भी कह सकते हैं, ये दरअसल वो बुनियादी आला है जिसकी मदद से इंसान वादिये इल्म में न सिर्फ दाखिल होता है बल्कि अलूम व फनून के मार्के भी सर करता है। एक जमाना था जब हम कोयले के एक टुकड़े से ही पेंसिल का काम ले लिया करते थे, जिससे लकड़ी की तख्ती या कागज पर कुछ लिखते वक्त अपने हाथ भी काले हो जाते थे। लेकिन फिर वक्त ने कुछ इस तरह करवट बदली कि आज फैक्ट्रियों में एक एक दिन में लाखों पेंसिल्स और बाल पेन तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन हमारी अक्सरियत आज भी इस राज से आगाह नहीं कि इन आलाते इल्म को फैक्ट्रियों में तैयार कैसे किया जाता है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुख्तलिफ कारखानों में मौजूद उस्तादाने फन किस तरह इस दिलचस्प काम को अपनी पूरी लगन और महारत के साथ सरंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, एक आम सादा पेंसिल के लिए बजायर लकड़ी की एक छोटी सी स्टिक और इसमें मौजूद सिक्के की जरूरत होती है, और इसकी तैयारी का पहला कदम भी इसी सिक्के यानी ग्रेफाइट की तैयारी का होता है, जिसकी दरियाफ्त आज से 450 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी, और फिर बाद 1962 में जर्मनी के साइंसदानों ने इसे ग्रेफाइट और किले को मिलाकर इस हालिया तर्ज की एक सिक्के की शक्ल दी, जो कि गैर लचकदार और सख्त होता था, और आज भी पेंसिल के सिक्के के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसी ग्रेफाइट को पॉलिश, बैटरीज और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस ग्रेफाइट को सबसे पहले पहाड़ों से तलाश करके फैक्ट्री तक लाया जाता है, और फिर इसको पीसते हुए इसका चूर्ण तैयार कर लिया जाता है, जिसके बाद इसमें क्ले और पानी को मिलाते हुए एक मिक्सचर मशीन में 30 मिनट तक मिक्स किया जाता है, और अगर कलर पेंसिल बनाना मकसूद हो तो इसमें मतलूबा रंग भी डाल दिया जाता है, और फिर इसके नतीजे में तैयार होने वाले पेस्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। जो कि इसको तवील सिक्के की शक्ल दे देती है, जिसको बाद अज़ाम मतलूबा साइज के मुताबिक काट लिया जाता है, लेकिन अभी तक ये सिक्का नरम और लचकदार है, जिसको सख्त करने के लिए इसे एक इलेक्ट्रिक ओवन में भेजकर इसे 120 डिग्री तक हिद्दत दी जाती है, जिसके बाद इसमें मौजूद नमी खत्म हो जाती है, जिसके बाद इसमें मजीद सख्ती पैदा करने के लिए इसे एक और मशीन में 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, लेकिन कलर पेंसिल को इस अमल से नहीं गुजारना जरूरी होता, और इसके बाद अगला मरहला होता है इन्हें 12 घंटों तक वैक्स में रखा जाने का, जो कि इसको कामलियत के दर्जे तक पहुंचाने में मुआवन होता है। नाजरीन, इस अमल के बाद इसका ऑपरेशनल टेस्ट होता है, और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक मशीन बयक वक्त 3 सिक्कों को चेक कर रही है, जो कि कागज़ पर अपनी लकीरें छोड़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि इन्हें इसके बाद 3 और टेस्टों से गुजारकर मुकम्मल इत्मीनान किया जाता है, ताकि इसकी कारकर्दगी में कोई कमी भी बाकी ना रह सके। दोस्तों, सिक्का तो तैयार हो चुका, लेकिन जाहिर है अब हम इसे इस वक्त तक एक मुकम्मल पेंसिल का नाम नहीं दे सकते, जब तक कि इस पर लकड़ी का कवर ना चढ़ा दिया जाए, और वो भी कोई आम लकड़ी नहीं, बल्कि इतनी नरम के इसको आसानी से छीला जा सके, और इतनी सख्त के लिखते वक्त इसमें कोई लचक पैदा ना हो। सो इसके लिए खास तौर पर देवदार के दरख्त की लकड़ी इस्तेमाल होती है, जो कि एक महंगी और कीमती इमारती लकड़ी है, जिससे आला किस्म के दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर भी तैयार किए जाते हैं। इसको 5 मिलीमीटर मोटाई, 18 सेंटीमीटर लंबाई और 7 मीटर चौड़ाई में काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है, और फिर इन तख्तों को फैक्ट्री में मौजूद एक मशीन में भेजा जाता है, जो इन पर नालीदार लकीरें डाल देती है, जबकि अगली मशीन में इन सांचों यानी लकीरों पर गिलू लगाने का काम शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद इसका अगला और अहम तरीन मरहला शुरू होता है, जहां इसमें सिक्का भरने के लिए एक जदीद मशीन से बारीक सुराख कर दिए जाते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मशीन पूरी महारत के साथ इनमें सुराख करते हुए इन्हें एक पेंसिल की शक्ल दे रही है।
और फिर इसके बाद बारी आती है इसमें सिक्का डालने की, जो कि एक और मशीन की जिम्मेदारी है। और इस फर्ज की अदायगी के बाद आखिरी मरहला होता है इसको एक पेंसिल के सांचे में ढालने का, जो कि एक और जदीद मशीन पर किया जाता है, जिसके बाद इस पर दबाव डालकर इसे चेक किया जाता है कि ये किस कदर दबाव को बर्दाश्त कर सकती है। जबकि मायरीन की राय के मुताबिक एक म्यारी पेंसिल को 2 किलोग्राम तक बोझ बर्दाश्त करना चाहिए। इसके बाद नाजरीन इन पेंसिल को कलर के मराहिल से गुजारा जाता है और ये मशीन एक एक पेंसिल पर रंग की एक तह चढ़ा देती है और फिर इसके बाद इस पर ट्रांसपेरेंट लैकर की तह चढ़ाकर रंग के मरहले को मुकम्मल कर दिया जाता है और फिर आखिर में इस पर कंपनी की सील लगाने का काम होता है, जो कि एक मशीन 1 मिनट में 500 पेंसिलों पर सील लगा देती है। दोस्तों, आपने यकीनन ऐसी पेंसिलें भी देखी होंगी, बल्कि इस्तेमाल भी की होंगी, जिनके एक सिरे पर एक रबड़ लगा होता है, जो कि सिक्के की लिखी हुई किसी भी तहरीर को मिटाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए सबसे पहले इसे एक मशीन के जरिए इस पेंसिल को इस सिरे को दबाया जाता है और फिर इसके बाद यही मशीन इस पर रबड़ यानी रेजर भी चढ़ा देती है और वो पेंसिलें जिन पर रेजर नहीं चढ़ाया जाता, इनके सिरों पर एक मखसूस रंग कर दिया जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये काविश पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से आगाह करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा और हम सबका खुदा निगहबान।